चलिए फिर से हैं, आज का कौन बनेगा करोड़पति का ऑप्शन, देखते हैं आज के इसके क्या आंसर्स हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उपरोक्त कॉस्ट थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? इसका आंसर है डी, ठीक है, पहले का डी लगा दें, गॉटफ्रिड हेबर। सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी माना जाती है, उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है बी, छत्तीसगढ़ लगा है बी का, सेकंड का बी। थर्ड फिल्म हेलो की कहानी किस प्रसिद्ध उपन्यास से रूपांतरित की गई थी? तो इसका आंसर है थर्ड का सी, वन नाइट इन द सन। क्वेश्चन को देखते हैं, कनाडा के खिलाफ डेविस कप 2019 किस देश ने जीता था? तो फोर्थ का आंसर है ए, ए लगा लें फोर्थ का आंसर। इन दोनों को लेने आ गए। फिफ्थ का आंसर देखते हैं, बिली का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो आंसर देखते हैं, तो आंसर है सी, अबुल कलाम, इसका सी लगा लें। सिक्स को देखते हैं, पीटर मेड इन इंडिया बिल्कुल जो पिछले साल लॉन्च किया गया तो हाल ही में प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम क्या है? तो सिक्स का जो नाम है वो है T2F, बहुत चल रहा है इंडियन ऐप है, लोकल जो है यूएस में तो काफी फेमस हो रहा है। सेवन क्वेश्चन देखते हैं, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा गया सेवन में, तो इसका आंसर होता है डी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, डी लगा लें सेवन का डी। फिर तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तीनों के समूह को क्या कहते हैं? एट्थ का आंसर है सी, मॉब, एट्थ का सी मॉब लगा लें। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, कौन सी किताब लिखी गई? तो नाइन्थ का आंसर है डी, दीवान है गालिब, दीवान है गालिब, सबमिट कर दें। कौन सा नारा संविधान संशोधन दिया था? टेंथ का ए, चलिए ये कंप्लीट हो गया। टेंथ क्वेश्चन मिलते हैं शाम को।